सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्लॉगिंग सेटअप कैसे तैयार करें जब आप एक फोन से व्लॉग करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब हम फोन से व्लॉग करते हैं तो हमें दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक स्टेबलाइज की और एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए आपका, मतलब कि जो फोन का कैमरा है वो। सबसे पहली बात फोन की बात करते हैं, आपका फोन ऐसा होना चाहिए जिसका फ्रंट कैमरा ना वो थोड़ा क्लियर हो। इतना भी क्लियर नहीं कि मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा तो DSLR ले लेगा कोई, पर नहीं, इतना क्लियर होना चाहिए आपका कि कम से कम आप जो ब्लॉग कर रहे हैं ना वो अच्छे से आए। ठीक है, सेकंड चीज होती है आपको एक ट्राइपॉड की जरूरत पड़ेगी। जहाँ तक है तो मैं चाहूँगा कि आप जब स्टार्टिंग में जब ट्राइपॉड लो ना तो एक छोटा सा ट्राइपॉड लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, मुश्किल से। जैसे कि मैंने ये लिया था पिक्सी ट्राइपॉड, ये इतना छोटा कि मेरे हाथ में बिल्कुल कवर हो जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा ये है जब आप पब्लिक में ब्लॉगिंग करेंगे ना तो आपको थोड़ा नर्वस फील नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको हेजिटेशन नहीं होगी आप व्लॉग करेंगे। बिकॉज जब आप इतने छोटे से व्लॉग करते हैं ना तो इतना पब्लिक हमें नोटिस करती नहीं है, पर अगर आप जैसे गोरिल्ला ट्राइपॉड ले लेंगे या फिर थोड़े इससे थोड़े साइज में बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं जब आप वो थोड़ा नज़र में आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि वो थोड़ा नज़र में आते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो तो आपको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होगी, जरूर होगी 100%, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इसलिए जहाँ तक स्टार्टिंग में जब ले रहे हैं तो आप एक छोटा सा ट्राइपॉड लीजिए, कम से कम अगर कोई भी लीजिए, पिक्सी नहीं दो तो इतने साइज का तो होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपका जो क्या कहते हैं व्लॉग बना रहे हो वो थोड़ा स्टेबलाइज रहे, आपकी ग्रिप अच्छी रहे, जिससे कि आप आराम से व्लॉग बना सके। ठीक है, सेकंड थिंग ये अटैचमेंट, ये एक फ़ोन की अटैचमेंट आती है मुश्किल से 100 rupees की आएगी है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने फ़ोन को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, देख रहे हो, अब इस तरीके से आप व्लॉग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड अटैचमेंट, तो आपका कैमरा अच्छा होगा, आपके पास स्टेबलाइजेशन होगा। थर्ड चीज़ जो आती है वो है स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एक व्लॉग में, जो है आपकी ऑडियो क्वालिटी। जब आप बात करते हो, आप व्लॉगिंग जब आप बात करोगे अपने ऑडियंस से, जो भी आप दिखाओगे, जब तक आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी ना, जब तक कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मतलब कि अच्छा मज़ा नहीं आएगा आपके व्लॉग में। तो कहीं ना कहीं भले ही आपकी वीडियो क्वालिटी 19-20 हो, कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है, कोई चलेगा, बट आपकी ऑडियो क्वालिटी में अगर थोड़ा सा भी वो होता है तो यार कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है आपके ब्लॉग पे। ठीक है, तो थर्ड थिंग, आप कभी भी इसके इंटरनल माइक से कोई भी रिकॉर्डिंग मत करना, माइक ले लीजिए। जब आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए मैं ही बताता हूँ कि बिगनर्स के लिए सबसे पहली चीज़, 200 rupees का माइक आता है, जेनरिक माइक आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये, और ना इसका इतने लेंथी तार भी नहीं है, तो जिसकी वजह से आपका जो वायर है ना वो यहीं की यहीं पे कवर हो जाता है। तो आपको बस करना क्या, बहुत सिंपल है इसको अटैच करना। देखो, सबसे पहली चीज़ आपकी इसके पास ना आपको एक क्लिप मिलेगी, ये भी फोकस कर रहा है, निकाल के देखो, ये क्लिप देख रहे हो आप, इस क्लिप को आपको इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, ये हर एक अटैचमेंट में आपको ये चीज़ मिलेगी, ये देखने को, इसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिप इसके ऊपर लगा देनी है, ये देखो इस तरीके से लगा देनी है, और बाकी जो बचा कुचा वायर है आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है, बस आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और देन आपका ये यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाए। ठीक है, ये आपका प्रॉपर, अब देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर आपके पास स्टेबलाइज हो गया, आपको एकदम ग्रिप अच्छी मिल गई, आपके पास फ़ोन है, कैमरा फ्रंट कैमरा अच्छा है, आपको एक माइक भी मिल गया, तीनों चीज़ मिला के आपका एक फ़ोन से जब आप ब्लॉग करते हैं तो ये आपका सेटअप रहना चाहिए। मिनिमम बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, अगर आप बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आपका ये सेटअप रहना चाहिए। तो पूरा अप्रोक्सीमेट अगर लगाएंगे ना तो आपकी कम से कम 200-300 का ट्राइपॉड आएगा। ये माइक है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वो भी मुश्किल से 200 rupees का, 400 rupees का, बस अटैचमेंट 100 rupees का, मतलब मिनिमम आपका 500 rupees का खर्चा होगा आपके ब्लॉगिंग में। यार इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं हो सकता कि आप बिना इन्वेस्ट करें आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दें। बहुत से लोग DSLR तक चले जाते हैं, बट मैं नहीं कहूँगा कि मैं उसको रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप इतने ऊँचे लेवल तक जाइए, बिकॉज अभी आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको थोड़ा पता पड़ जाएगा व्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। तो आपको जब 1-2 महीने 3-4 महीने जब आप हैबिट में आ जाएंगे, या तो आपको अच्छा ही लगने लगेगा, या आप करने लगोगे व्लॉग, अच्छा व्लॉग बनाने लगोगे, या फिर आपको बिल्कुल पता ही पड़ जाएगी कि व्लॉग ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, एक आपको मैं बोनस टिप्स देना चाहूँगा, जब आप मोबाइल से व्लॉग करते ना तो अपना कंटेंट ना बहुत ज़्यादा अच्छा रखिए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये 200 rupees वाला माइक है, आपका जो फ़ोन कैमरा है वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी क्वालिटी देगा नहीं, बट अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। आपने कभी देखा होगा जब एक्सीडेंट वगैरह के या फिर कुछ ऐसी क्या कहते हैं अजीब वगरीब जब कोई वीडियो आती है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब होती है, बट उस पर मिलियंस व्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज जो कंटेंट जो है वो ऐसा होता है कि लोग उसको देखने के लिए देखते हैं, कि चाहे वो वीडियो क्वालिटी कितनी बुरी हो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं कहूँगा आप बिगिनर्स हो, कंटेंट अच्छा रखिए, ब्लॉगिंग का सेटअप मैंने बता ही दिया है, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में उसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक आए हो ना, अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाना। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।